हेलो। हेलो भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माँ। हम तुम कैसी हो? बाकी सब कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। घर में भी सब ठीक हैं, बल्कि बहुत खुश हैं। आपको पता है परसों मेरी इंगेजमेंट हो रही है और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। इंगेजमेंट माँ और कैंसिलेशंस, लेकिन लेकिन ना तुमने पहले बताया ना मामा ने। भाई, क्योंकि मैं खुद आपको बताना चाहती थी इसलिए। कौन है लड़का? कौन है? क्या करता है? वेल भाई, वो तो आपके लिए सरप्राइज है। जब आप आएंगे, उसे खुद मिलेंगे, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा वो। क्या बात है, जब से आए हैं चुप चुप है, ना कोई बात कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे। क्या बात है, क्या हुआ है, कुछ बोलेंगे? क्या बताऊं, क्या बताऊं वर्दा? ये बताऊं कि होदा सिर्फ मेरी ही नहीं, अपने बाप की और इस खानदान की इज्जत दांव पर लगा रही है। अरे, मुझे नीचा दिखाने के लिए पड़ोसियों से राशन मांग रही है। क्या ऐसा है क्या? मतलब इतनी घटिया हरकत, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे हुआ क्या। मुझे तो कभी कभी लगता ही नहीं कि ये पुरानी वाली हुदा है जो अब इतनी बदल गई है, जिसको ना तो अपनी इज्जत की परवाह और ना ही अपने बाप की। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये मेरी और आपकी खार में इसने, लेकिन आप परेशान मत हो, आप रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं समझती है? कॉम्प्लेक्स और क्या, खुद को बरतर रखने के लिए ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरा ना सर फट जाएगा। मुझे प्लीज तुम जाओ पेन किलर लाके दे दो। ये क्या बात हुई, जरा सी कोई बात नहीं हुई कि पेन किलर दे दो? बिल्कुल भी नहीं। खाना लेकर आ रही हूँ, वो खा लें, उसके बाद चाय पी लीजिएगा, आराम करें, ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अबी, आप कहाँ हैं? कल से आपको फोन कर रहा हूँ मगर आप अटेंड नहीं कर रही। अम्मी काफी परेशान हो रही थी। बाकी कल हमारी फ्लाइट है, हम वापस आ रहे हैं। आपका छोटा हाजी अजमी। जरा से दुख में इतनी बड़ी खुशी कैसे भूल गई तुम हुदा? बचपन का ख्वाब पूरा कर दिया है खुदा ने, उसका शुक्राना अदा करने के बजाय भाई के दुखों पे रो रही हो। मेरे रब, तू मेरे साथ है, यही मेरे लिए काफी है, मैं तुझसे राजी हूं। आप भी ना आरेज, बहुत जज्बाती हैं और जज्बाती लोग हमेशा अपना नुकसान कर बैठते हैं, पर मैं हूं आदत से मजबूर, मुझे तो बहुत मजा आता है। जिसे पीछे छोड़ दिया उसके लिए आगे बढ़ते कदमों को रोकना नहीं अजमीर, तुम कब से बेईमान हो गए? अजमीर, माहम को कबूल करने का इरादा कर ही लिया है तो ईमानदारी से निभाओ।
मुश्किल से मोहब्बत इख्तियारी जज्बा नहीं होती, और ये कमबख्त मोहब्बत हर शख्स को राज आ जाए ये भी जरूरी नहीं है। मुझे खुशी है बेटा कि तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। एक मर्द को अपने फैसले पर इसी तरह मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए और साबित कदमी के साथ उसको निभाना भी चाहिए। चाहे साबित कदमी में मर्द खुद को तबाह भी कर दे। हाँ, क्यों नहीं, सहारा बनने के लिए सब कुछ करना पड़े तो करना चाहिए। देखो बेटा, जो कर रहे हो वो करते रहो, बस कुछ दिली के साथ करो। खुश रहो। दोस्त से बातें हो रही है। भाभी, मैं काफी टाइम से सोच रही थी मैं आपको बता दूं, लेकिन वो आप अजमीर भाई की एंगेजमेंट में मशरूफ थी ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बस कर दो, वजाहतें नहीं मांगी है मैंने तुमसे, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम तुमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी शुरू कर दिया। भाभी, आप कितनी अच्छी है ना। अरे, इसका मूड क्यों खराब है, क्या हुआ है? तो बस ये सब हुआ तभी इतने दुखी है आरिस। पहले वो कॉलेज लेक्चरर, उसके बाद चंद हजार रुपयों के लिए पड़ोसी, फिर घर के राशन के लिए ये सब कुछ। मैंने कितनी बार उसे कहा था कि किसी भी चीज में कोई भी मसला हो एक बार आर्य से डायरेक्ट बात कर लेना, मगर नहीं, अपनी जिद के आगे अपनों की ही इज्जत से खेल रही है। बहुत दुखी हूं मैं इस बात से, लेकिन अब वो कैसी है, कहाँ है? भाभी, आपको अभी भी उनकी फिक्र है? हाँ, क्योंकि मुझे उस पर बहुत नाज है। उसको चाहे मुझसे जितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। अच्छा सुनो, अब मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। ठीक है भाभी, मैं भी बना कर आती हूँ। और सुनो, एक बार हुदा से भी पूछ लेना। ठीक है भाभी, मैं पूछ लेती हूँ। आज कॉलेज नहीं गई? इतने शदीद प्यारे भाई और लाडले भाई कि इतनी सख्त नाराजगी के बाद एक छुट्टी तो बनती है। वरदा भाभी, जरूरी तो नहीं है जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो, और छुट्टी मैंने सोग में नहीं की बल्कि खुशी में की। वरदा भाभी, आपको पता है इस दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं,
और उन करोड़ों मुसलमानों में से लाखों मुसलमान हर साल हज करते हैं, और उन लाखों में से कुछ हजार ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी औलाद हज करवाती है, और उन हजारों में से चंद सौ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी बेटियां हज करवाती हैं, और मैं उन चंद हजारों बेटियों में से एक हूं। खुश होना तो बनता है, और इस खुशी के मौके पर पड़ोसन की दी गई इमदाद की चाय, उसका तो मजा ही कुछ और होगा, है ना? हाँ, मजेदार, क्योंकि उनकी मोहब्बत में खोट जो नहीं थी। सलमान भाभी का फोन आया था, वो चाह रहे हैं कि एंगेजमेंट का फंक्शन उनके घर पे हो। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक ही बात है, यहाँ पे हो या फिर वहां पे हो। ये बताओ कि शेर से बात हुई? माहम की बात हुई थी उससे। उसका रिएक्शन? उसने अजमीर का नाम नहीं लिया, बस ये बताया है कि उसकी एंगेजमेंट हो रही है। जिद में हमारी औलाद से आगे कोई भी नहीं है। हमारा दुख तो दोनों तरफ से यकीनी है, चाहे बेटा दे या बेटी। वैसे भाभी पूरे खानदान को इनवाइट करना चाह रही हैं। करने दो, जो उनका दिल चाहता है करने दो, अल्लाह मालिक है। बस तुम अपने तौर पर अच्छा करने की कोशिश करो। एक काम करते हैं कि भाई साहब भाभी और अजमीर की शॉपिंग हम खुद कर लेते हैं, तुम चलो मेरे साथ जाके शॉपिंग करते हैं। क्या आप मुझे शॉपिंग पे लेकर जाएंगे? मतलब आप मेरे साथ शॉपिंग पे जाएंगे? हाँ, तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। इतनी बड़ी तब्दीली? क्योंकि तब्दीली की गुंजाइश हमेशा से होती है। मैं तैयार होकर आती हूँ। औरत की मोहब्बत भी किस कदर मासूम होती है, एक जरा सी तसल्ली छोटी सी खुशी से बहल जाती है। आप ही? किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है खाने में? बिरयानी और कबाब। अम्मी और अजमी आ रही है ना आज, इसीलिए। क्या वाकई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मोबाइल से और नए दोस्तों से फुर्सत कहाँ है जो मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं? फिर बाद में कर लीजिएगा, कोई काम है तो हुक्म करें। तुम बड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें हुक्म नहीं दिया जा सकता। मर्जी आपकी। युसरा, युसरा, अपनी बहन साहिबा से पूछो कि खाना रेडी होने में कितना टाइम है। अगर ज्यादा टाइम है तो हमेशा की तरह खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। खाना बनने में भी टाइम है, और हम लोग सब मिलके खाएंगे, क्योंकि अम्मी के हज के आने के बाद ये पहली दावत सफिया खाला की तरफ से। खाना तो हम जरूर खाएंगे, लेकिन अफसोस अजमीर की मंगनी के बाद तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है, नहीं? तो तुम दूर रहो ना मुझसे, कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। तुम और नुकसान, मैं नहीं मानती। जिसके अपने इतने नुकसान हुए हो, वो किसी और को क्या नुकसान पहुंचाएगी? अच्छा सुनो, अपने अंदाज में भाई को इतला मत देना अम्मी के आने की, क्योंकि मैंने उन्हें ऑलरेडी मैसेज कर दिया। ग्रेट। इसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बेचारी अंदर से बहुत टूटी हुई है, इसलिए कभी कभी इसकी जुबान इसका साथ नहीं देती। लेकिन जो कुछ भी आरिज ने इसका साथ किया है ना, सही किया, नहीं?
हेलो हेलो अजमीर, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। ऑफिस में? आज हमारी मंगनी है। हाँ ना, कि आपकी पहले हो चुकी है पर मेरी तो पहली है ना। तुम्हें कोई काम है? अजमीर क्या हो गया है, मुझे आज सैलून जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट है और मुझे आपके साथ जाना है। माँ, आई नो कि आज हमारी एंगेजमेंट है और ये एंगेजमेंट शाम को है, मैं इस वक्त बिजी हूँ, तुम प्लीज आंटी के साथ चली जाओ। अजमीर, मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करता हूँ, बाय। अजमीर, तुम्हें तो मेरी मोहब्बत का जवाब उतनी ही शिद्दत से देना होगा जितनी शिद्दत से मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत मुबारक है छोटे हाजी, अम्मी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे बेटा। युसरा, बेटा तुमने हुदा को तंग तो नहीं किया? नहीं अम्मी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। बता बेटा तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। आपने एक बार भी अपनी बहू की खैरियत नहीं पूछी, एक बार भी मुझे कॉल नहीं की। आरे से तुम्हारी खैरियत पता चल जाती थी, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। अच्छा, तो आप आरे के साथ कांटेक्ट में थी? अरे क्या खड़े खड़े सारी बातें करनी है, हम यहाँ बैठे ना, बैठकर बातें करते हैं। खुदा खाना लगा। अब मैं खाना लगाती हूँ अम्मी आपके लिए, आप जाएं चेंज कर दें। कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे सफर की थकन तो अल्लाह हर मुसलमान के नसीब में लिखे। आमीन। आमीन। खड़े क्यों हैं, बैठो ना। मैं किचन में। आरिस, आरिस बेटा, वरदा बेटा खाना खा लो। जी, ऐसे शुक्र है कि आज घर का खाना खाने को मिले। क्या मतलब, घर में खाना नहीं बन रहा था? मैं किसी को दिलचस्पी नहीं है। अरे आप खाना खा लें, फिर मुझे मामा के घर ड्रॉप कर दिएगा। ठीक। आपको याद है ना, आज अजमीर की एंगेजमेंट है। अजमीर की मंगनी? हाँ, वो तो मैं आप लोगों के लिए रुक गई थी। और हाँ, आप सब भी इनवाइटेड हैं, चलिएगा। मैं तो जरूर जाऊंगी। जरूर, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? आप लोग जब तक खाना खाएं मैं तैयार हो जाती हूँ। बेटा खाना तो खा लो। जिम बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, अल्लाह ताला हमारे बच्चों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन। आरेज बेटा, तुम जो है वो अपने अंकल को और सलमान साहब को बुला लो, रस्म भी शुरू करनी है। जी आंटी। ये जानमाज मैं खास तौर पर सफिया के लिए लेकर आई, फिर मेरी कोई अपनी बहन होती ना तो वर्षों में उसके साथ भी कोई नोकझोंक हो जाती, लेकिन सफिया ने ना कभी शिकायत का मौका दिया और ना ही उसने कभी शिकायत की।
अम्मी आप बोल रही हैं कि आप सफिया खाला के लिए सिर्फ जाना माज नहीं बल्कि दो तीन चीजें और भी लेकर। बेटा मैं भूल नहीं रही, पता ये पड़ा है उसका बैग, जाओ ये दे आओ उसे। जी। आप अजमीन अगर तुम सफिया खाला की तरफ जा रहे हो तो प्लीज उनसे पूछना आप ही ने आपको जो काम बोला है वो हो गया है। कौन सा काम बेटा? कुछ नहीं अम्मी। अजमी तुम जाओ ना, बैठे क्यों हो, जाओ। आपकी इसी डांड की बहुत याद आ रही थी मुझे। चलो जाओ। उदा बेटा तुमने तो पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है कि आप आ गए हैं। हुदा बेटा क्या बात, अजमीर की मंगनी की वजह से तुम इतनी दुखी? मैं नहीं मानती। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उनकी मंगनी का दुख नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मोहब्बत में सबके सिर्फ ही अक्सा नहीं होते। लेकिन बेटा इसे क्या बात हुई है मेरे जाने के बाद, तुम मुरझा सी गई हो। कुछ नहीं हुआ है, हम बिला वजह परेशान हो गए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हुदा बेटा बात को घुमाओ मत, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ, आखिर क्या हुआ ऐसा? अम्मी कुछ नहीं हुआ है, ये यूं कहने के जो कुछ भी हुआ है उसको दोहराने की हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं भूल जाना चाहती और आप भी परेशान हो ठीक है। जरूर कोई बड़ी बात हुई है, मेरी हुदा इतनी अजियत में है। या अल्लाह मेरी हुदा की आजमाइश खत्म कर दे। बह रहा अश्क में प्यार जो तूने दिया, सह रहा किस तरह दर्द जो तूने दिया, ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती, ये सिसकियां कभी बेवजह नहीं आती, जो लफ्ज थे बचे छिन गए सभी मुझसे, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, तू जो ना मिला तो हम ही यार बन गया, की मंगनी तो हुदा के साथ हुई थी और हुदा ऐन शादी वाले दिन भाग गई थी। अब देखें इसकी इस लड़की के साथ शादी पूरी होती अजमीर की या कहने वाले तो ये भी कहते हैं हुदा के साथ कोई साजिश हुई थी। जो भी है हुदा को तो अब अपनी पूरी जिंदगी बदनामी के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अजमीर की जिंदगी बन गई। जाहिर है अजमीर मर्द जो है। सबा चले माँ के पास।
सामान तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा पड़ा हुआ है। लगता है इस महीने सामान आए। अरे क्या हुआ है, कैसे घर को चलाए, ये तो अरे से पूछना पड़े। अजमीर, आप कुछ भूल रहे हैं क्या? आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूं। आप अच्छी लग रही हो। अजमीर आए एक पिक्चर लेते हैं। अभी लेना जरूरी है? स्माइल। या स्माइल। अच्छी है ना? या नाइस। नई रिश्तेदारी मुबारक हो सलमान, दुआ करो ये रिश्तेदारी बच्चों की खुशियों का बाइस बने। आमीन। अल्लाह पाक बरकत है मोहब्बत में, रिश्ते में और खुशियों में इंशाल्लाह। एंगेजमेंट की खुशी में कल डिनर हमारी तरफ से, क्यों आरिज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, कल आप सब हमारे घर में डिनर करेंगे। अरे बेटा घर में क्यों, कहीं बाहर रख लो ना। और वैसे भी बेटा आपको कुकिंग कहाँ आती है? बाबा डोंट वरी, आपकी बेटी ने अब सब कुछ सीख लिया। माहम तुम बताओ ना, आओगी ना घर? कोर्स वर्दा, जरूर आऊंगी। क्यों अजमीर, हम जा रहे हैं ना कल वर्दा की तरफ? वो दरअसल अजमीर को छोड़ो, उसने तो आना ही आना, तुम अपना बताओ। हाँ भाई, मुझे भी कोई इशू नहीं है, कल मिलते हैं। मामा मैं भी जाके रेस्ट करता हूँ। वर्दा हमें भी चलना चाहिए, अब काफी देर हो गई है। मैं कल आ जाऊंगी। हाँ बेटा अरेज, उसको आज यही रहने दो, ये कल वापस घर आ जाएगी। अरे बेटा अभी आपने कल सबको अपने घर पे इनवाइट किया है और अब आप यहाँ रुकने की बात कर रही हो। बाबा बहुत थक गई हूँ मैं, अब क्या अपने बाबा के घर एक रात भी नहीं रुक सकती मैं? बेटा अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, वैसे भी अम्मी आ गई हैं, मैं अम्मी से कह दूंगा वो सब संभाल लेंगे। थैंक यू। आरे साहब आप बोल रहे हैं, आरेज और भाभी बहुत मेहमान नवाज हैं, और वैसे भी हमने भाभी को तो मुबारकबाद देने जाना है ना। अब देखें चाहे कोई भी हमारी जितनी भी बेइज्जती करे, हमें तो बेटी और दामाद को ही देखना है। अब ओके बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। देखा मामा, आखिर हुआ वही जो हमने सोचा था। जाहिर है वही होना था क्योंकि हमने चाहा। हुदा बेटा मुझे तुम कुछ मत बताओ, मगर बेटा
तुम अपना दुख छुपाकर माँ का दुख बढ़ा रही हो। उदापी, ये सफिया खाला ने 16,000 रुपए दिए थे, मैं आपको देना भूल गया था। ये पैसों का क्या मामला है? अम्मी, हुदापी ने मेरे लिए फोन लिया था तो वो सफिया खाला को दे दिया था कि आप बेच दें, ये शायद उसी के पैसे होंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल देना फितने की जड़ है। इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, क्या हो गया इसको? अम्मी, आप सो क्यों नहीं चाहते? मैं ठीक हूँ और सब ठीक है। उदा बेटा, मोबाइल में ऐसा क्या आ गया? अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपनों से और नहीं लड़ सकती, फिर मैं हिम्मत नहीं है। बहुत जूम है ना तुम्हें अपने जब्त पर, मैं भी तुम्हें बार बार इसी तरह चोट पहुंचाऊंगी, तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारा जूम और जब्त दोनों टूट जाएंगे। चाहे शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें क्या सोची थी ऑल ऑफ अ सडन उनको दावत पर इनवाइट करने की। अगर कोई मसला हो गया तो? मसला होना चाहिए ना, और मसला होगा तभी तो मजा आएगा, और मसला होगा तभी तो खुदा पर इल्जाम लगेगा, तो मसला तो होना है। और जब तक माहम और अजमेर की शादी नहीं हो जाती तब तक ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। क्या बात है, काफी समझदार हो गई अपनी बेटी की तरह। नहीं, ज्यादा इतराओ नहीं, बेटियां जो है वो माओ की तरह होती है, माए बेटियों की तरह नहीं होती। तुम क्या फोन देखकर मुस्कुरा रही हो? बहुत प्यार आ रहा है मुझे इस मोबाइल पर, कितने काम की चीजें पता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, और सिर्फ उंगलियां हिला लेने से खुदा जैसी जिंदगियां अजाब बन जाती है। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये सारी तस्वीरें मैंने खुदा को भेज दी है। कुछ भी कह, मोहब्बत तो बहुत करती है अजमोल से, और इसीलिए अब धुआंधार रो रही हो बहुत ज्यादा। दिखाओ कौन सी क्रिएटिंग तुमने। फिर आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा? भी सबर करें, मैं आपको हिम्मत करने को तो नहीं कह सकता, क्योंकि आपको हिम्मत की नहीं बल्कि हिम्मत को आपकी जरूरत है। बस ये समझ रहे हैं, जैसे अजमीर भाई का एक बार कमजोर पड़ना आपको कमजोर मर्द की उम्र भर की रफाकत से बचा। जहां तक भाई और भाभी का सवाल, उनकी कमजरफी का कड़वा घूट तो हम सबको, मैं मानता हूं मैं आपसे छोटा हूं, मगर हूं तो आपका भाई, सब ठीक हो जाए। अरे, जिसके लिए हरम में उसकी मां दुआएं मांगी, उसकी जिंदगी में क्या दुख रह सकता है? प्लीज रोना मत कर बेटा, अगर तुम्हारा एक भाई तुमसे दूर जा रहा है तो देखा कैसे अल्लाह दूसरे भाई को तुम्हारे करीब करता जा रहा है। परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं।